गोपियां निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं। गोपियां कहती हैं कि एक ही लालसा है हमारे हृदय में कृष्ण को लेकर के। क्या? केवल कृष्ण दर्शन लालसा, बस कृष्ण का दर्शन मिल जाए बस। आपने देखा था जब कुंती महारानी के गर्भ में कर्ण आया था तो कैसे आया था? केवल मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से सूर्य का दर्शन हुआ बस, और सूर्य का दर्शन करने मात्र से गर्भ धारण कर ली थी। तो आज के जैसे लोग तब नहीं थे। पहले भगवान का दर्शन कर लेने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती थी। कृष्ण दर्शन लालसा, केवल गोपियां कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी और कृष्ण का अकेले दर्शन नहीं करना चाहती थी। गोपियों के मन में यही लालसा रहती थी कि बस राधा कृष्ण युगल जोड़ी का दर्शन करें, हमारी राधा रानी कृष्ण के समक्ष बैठी हो तब हम दर्शन करें उनका, ऐसा भाव लेकर के वो गोपियां। गोपियां निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करते हैं और सदैव गोपियां प्रयास करती हैं कि कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे राधा और कृष्ण का युगल दर्शन हमको प्राप्त हो, क्योंकि राधा रानी बरसाने में रहती थी और कन्हैया हमारे नंदगांव में रहते थे, दोनों अलग अलग रहते थे। लेकिन न तो नंदगांव में प्रवेश था राक्षसों का, न तो बरसाने में। बरसाने में कभी कंस नहीं आया। एक बार भूल से कंस को पता चला कि बरसाने राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण रोज जाते हैं, तो कंस ने कहा कि अब बड़ा आसानी से कृष्ण मारा जा सकता है, चल रहे हैं वही बरसाने, जब आएगा राधा रानी से मिलने के लिए तो वही मार देंगे। जैसे ही कंस ने प्रवेश किया बरसाने में, वैसे ही गोपियां पकड़ ली उसको और पकड़ करके उसको बनाए दी गोपी, औरत बनाई दी, औरत बनाई के और 6 महीना गोबर पथवाई उससे, कंस से। बरसाने में कंस 6 महीना उपली कंडी जो होता है ना वो बनाया है, गोबर पाथा है गोबर। 6 महीना राजा था, 6 महीना गोबर पाथा, कान पकड़ कुठने बैठने लगा, बोला गलती हो गया, आप कभी नहीं इधर आएंगे, देखेंगे भी नहीं। बरसाने से जैसे उतरेंगे सामने पीली पोखर है, दया आ गई सखियों को, बोले कान पकड़ के उठ बैठ रहा है राजा है, चलो छोड़ देते हैं, बोले जाओ। बोले देवी आए थे आदमी बन करके, लहंगा चुनरी पहन के कहां जाएंगे हम बनाने के लिए, तो तुम हमें स्त्री बनाई दी और हम ऐसे ही जाएंगे। पैर पड़ने लगा गोपियों के कि कृपा करो, तब कंस को पता चला कि अगर गोपियां ऐसी हैं तो राधा रानी कैसी होंगी। अगर गोपियां पकड़ करके हमको स्त्री बनाए दियो 6 महीना गोबर पथवाई, तो लाडली जो पकड़ेंगी तो क्या करेंगी, वो तो कहने की बात नहीं। चरणों में गिर पड़ा विशाखा के, ललिता के, बड़ा दया उनको आ गया, सोची कि छोड़ दो। तब बोली कि राजा बनना चाहते, पुनः पुरुष बनना चाहते? बोले हाँ, ऐसे कहां जाएंगे, हमारे घर में भी पत्नी है, घर जाएंगे तो पत्नी क्या कहेगी, पहचान पाएगी, कहेगी कोनो दासी आ गया, नहीं, इसलिए आप हमको क्षमा करिए, अब कभी जीवन में नहीं आएंगे। बहुत कान पकड़ घुटने बैठने लगा, हमको पुनः मेरा पुराना शरीर वापस कर दीजिए। तब ललिता विशाखा ने कहा सुन, उस सामने जो पीली पोखर है ना, जाकर के उसी में स्नान कर और उधर ही से निकल जाना, इधर देखना भी मत। गया कंस पीली पोखर में स्नान किया और जैसे ही पीली पोखर में स्नान किया पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त किया और भागा वहां से, सोचा कि कहीं फिर ना हम पकड़ा जाए, भागा वहां से। दोबारा कभी बरसाने में आया नहीं। बरसाने में केवल राधा रानी
अपनी अष्ट सखियों के साथ विराजमान है। केवल वहां पे लीला ही होती है, लीला होती है वहां बरसाने के प्रत्येक जीव की यही कामना होती है कि कृष्ण नंदगांव से आए बरसाने में, और बरसाने में आए तो हम युगल जोड़ी का हम दर्शन करें। इसलिए सदैव गोपियां कृष्ण को बरसाने बुलाती रहती थी, कोई न कोई बहाना लेकर के बुलाती रहती। ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा